अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो ट्यूबलर बैटरी के बारे में है। आज हम इस बैटरी को काट के आपको इसकी प्लेटें दिखाएंगे, क्योंकि ये बैटरी सोलर पे बहुत यूज़ होती है और ट्यूबलर टाइप बैटरी है, टॉल ट्यूबलर कहलाती है ये। इसकी आज इसको काटेंगे और इसकी प्लेटें आपको दिखाएंगे, इसकी प्लेटें कैसी होती हैं। नॉर्मल बैटरी की प्लेटें तो आपको मालूम है, लेकिन जो ट्यूबलर बैटरी है इसकी प्लेटें आज तक जो है वो मंजर यहाँ पर नहीं है, सामने नहीं आई। तो ये एक बैटरी है जो 1.5 साल चल के आई है हमारे पास, और हम चाह रहे हैं कि इसकी ज़रा काट के हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि इसकी प्लेट्स कैसी होती हैं, पॉजिटिव कैसी होती है, नेगेटिव कैसी होती है, इसकी कितनी प्लेट्स होती हैं। अब ये बैटरी जो है ये TRX 1800 है फोनिक्स की, और ये 230 एम्पीयर की होती है। आजकल इसका मॉडल चेंज हो गया है, ये T2500 के नाम से आती है। तो अभी इसके टर्मिनल काट रहे हैं हम, और इसके साथ फिर हम इसको आरी से जो है इसकी बैटरी काटेंगे, और फिर उसके बाद इसकी प्लेट्स निकाल के आपको प्लेट्स दिखाएँगे कि इसकी प्लेट्स कैसी हैं। तो ये भी हमारी से इसको काटेंगे, और उसके बाद आपको जो है वो जब ये कट जाएगी फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे इसको, क्योंकि इसमें एसिड भी मौजूद होता है। और काट के फिर इसका हम एसिड भी निकालेंगे इसका, पहले इसको टर्मिनल काटेंगे इसके। ये इसका अमल जारी है अभी, और एक टर्मिनल कटेगा फिर उसके बाद दूसरा काटेंगे, फिर इसका जो टॉप है इसका जो रेड कलर का, इसको उतारेंगे, इसकी प्लेट्स इसके अंदर होती हैं। बेसिकली जो टॉल ट्यूबलर बैटरी है ये 7 प्लेट्स होती है, इसमें जो 4 प्लेट्स हैं, 4 प्लेट्स हैं वो नेगेटिव होती हैं और 3 पॉजिटिव होती हैं एक सेल में। तो आपको जो है इसको दिखाएंगे, ये कट गया और दूसरा काट रहे हैं। दूसरा जैसे ही कटेगा उसके बाद फिर इसका जो प्लास्टिक है उसको काटेंगे, और फिर उसके बाद जो है बाकायदा आपको उसको दिखाएंगे कि इसके अंदर प्लेट्स के अंदर क्या क्या है, इसकी पॉजिटिव कैसी है। पॉजिटिव इसकी बेसिकली जो होती है वो ट्यूब टाइप होती है, नॉर्मल की जो है फ्लैट प्लेट्स होती हैं इसकी ट्यूब होती है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये सोलर में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, सोलर में और UPS पे भी, सोलर पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि ये स्पेशली जो डिज़ाइन की गई है वो सोलर के लिए डिज़ाइन की गई है। और अभी वैसे इसकी जो प्राइस, जो नई बैटरी की प्राइस है वो तकरीबन नियर अबाउट कोई 32,000 रुपये की है, TX2500 जो फोनिक्स की है। तो ये इसके दोनों टर्मिनल कट गए हैं इस वक्त, और अभी जो है इसका जो हम इसको जो टॉप है उसको काट के, और उसके बाद जो है इसका बाकायदा इसको काट के फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी प्लेट्स कैसी होती हैं और किस फॉर्म में पड़ी होती हैं। इसमें नॉर्मली 6 सेल्स होते हैं, आपको नज़र आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो आपको जो ढक्कन जो हमने उतारे हुए हैं इसके, जो भी ये ढक्कन लगी, ये 6 सेल्स हैं, हर सेल 2 वोल्ट का होता है, और सेल्स इसके अंदर होते हैं, और हर सेल में 7 प्लेट होती है इसकी। इसके टॉप की तरफ आ रहे हैं, इसका टॉप इंशाल्लाह कट जाएगा, फिर उसके बाद आपको हम इसको जो है प्रॉपर वो दिखाएंगे इसको कि इसके अंदर किस हिसाब से प्लेट्स लगी होती हैं। ये बड़ी हैवी ड्यूटी बैटरी होती है, और ज़्यादातर पाकिस्तान में सोलर पे और UPS पे इस्तेमाल होती है। सोलर पे इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग अपने जो है जब सोलर लगाते हैं उसमें 2 लगी होती हैं, कहीं 4 लगी होती हैं, जो जिन्होंने इन्वर्टर लगाया होता है 2x24 वोल्ट्स वाला, उस पर 2 लगती हैं, और जिस पे जो है वो ज़्यादा उसका हैवी हो तो वो 4 लगी होती हैं उस पर, यानी कि 48 वोल्ट का होता है वो। ये भी इसको काटेंगे, क्योंकि इसमें काटने में थोड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि इसके कनेक्शन भी हैं बीच में, वो भी कटेंगे उसके बाद ही निकलेगी। और ये मेरे ख्याल में अब ऐसा ऐसा जो है अपने उसकी तरफ आ गई, अभी ये इंशाल्लाह कट जाएगी टोटल पूरी इंशाल्लाह। इसमें अभी थोड़ा सा ज़ोर लगेगा इसमें मज़ीद, और जब भी करेंगे इसको, ये हो रहा है इंशाल्लाह अभी कट जाएगी, और फिर उसके बाद इसका जो है टॉप इसका हटाएंगे, और टॉप हटा के इसका आपको दिखाएंगे कि इसमें अंदर क्या क्या है इसमें। ये देखें टॉप अभी हमने हिलाया इसका, ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो हो गया थोड़ा सा, बस इसमें खाली इसका कनेक्शन काटना पड़ेगा मज़ीद, और ये तकरीबन अपने उस पर आ जाएगी। ये ट्यूबलर बैटरी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, और पाकिस्तान में भी जो है तकरीबन 4-5 साल से इसका जो है वो स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान में ट्यूबलर मैन्युफैक्चरिंग जो शुरू की है वो वोल्टा ओसाका ने की, और फिर उसके बाद फिर इस तरह हर कंपनी ने बनानी शुरू कर दी। ये देखें जी, ये इसके 6 सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सेल हैं ये इसके बहुत से ऊपर। ये कनेक्शन है प्लस वाले, देखें ये प्लस माइनस का, ये यहाँ से ये सेल है एक, टोटल जो है इसमें 6 सेल्स हैं, अब हर सेल में जो है 7 प्लेट है, और इसमें प्लेट्स किस तरतीब से पड़ी होती हैं आपको ये भी बताएंगे इसको निकाल के। ये तकरीबन बैटरी 1.5 साल इस्तेमाल हुई है, और उसके देखें इंटर कनेक्शन आपको नज़र आ रहे होंगे साथ साथ। अभी हम इसको जो है इसकी वो कट करके इसको निकालेंगे, तोड़ के इसको, क्योंकि इसके सेल जॉइंटेड है, इंटर कनेक्टेड है,
तो जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा इसको तोड़ के उसके बाद निकालना पड़ेगा। जिसका सेल काफ़ी हैवी होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है, तो जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम निकालेंगे इसको इंशाल्लाह। अभी ये टी हैंडल से इसको तोड़ने की कोशिश करें, जिसका एक सेल है उसको तोड़ने की कोशिश करें ताकि उसको निकाल सकें आराम से हम। तो इसको निकाल के फिर उसके बाद आपको उसकी वो भी दिखाते हैं प्लेट्स, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बहुत इन है ट्यूबलर बैटरी, तो हम चाह रहे थे कि हम दिखाएं देखने वालों को कि इसकी प्लेट्स कैसी होती हैं, अगर ये लंबी है टॉल है तो ये कैसी है। ये थोड़ा सा टाइट है, इसको कोशिश करते हैं इसको निकालने की, क्योंकि ये इसमें पैकिंग होती है इसकी साइड पे। देखिए पैकिंग पहले निकालेंगे, ये पैकिंग है साइड पे ना, ये दो दो दोनों साइड्स पे पड़ी होती हैं, ये जाल होता है एक पैकिंग का, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का होता है। और फिर उसके बाद हम इसके बाद ये निकाल के इसको कोशिश करेंगे कि इसको निकालें। ये प्लास्टिक के निकल गया अभी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि निकल आएगा। ये निकल आया जी, ये इसकी प्लेट है जी, ये पूरी कितनी टॉल जो है ना ये प्लेट, इतनी बड़ी प्लेट होती है इसकी। अभी इसको जो है वो थोड़ा सा इसमें से जो एसिड निकल जाए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अभी इसमें जो वो है वो निचोड़ रहा है, जब वो हो जाए फिर उसके बाद आपको उसकी प्लेट दिखाते हैं। इसमें नेगेटिव कौन सी है, इसमें पॉजिटिव कौन सी है वो आपको दिखाएंगे। ये आपको प्लेटें नज़र आ रही हैं साथ इसमें, ये जिसमें बॉटम पे येलो का नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव प्लेट है। इसकी तीन प्लेट्स होती हैं इसमें, ये ट्यूब टाइप होती हैं, ट्यूबलर जिसे हम कहते हैं बेसिकली। इसको जो क्यूब बैटरी या ट्यूबलर बैटरी इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो ट्यूब टाइप होती हैं। अब उसमें आपको दिखाते हैं एक मिनट, ये इसका ऊपर वाला जाल है और ये इसमें प्लेट्स हैं, नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं। नेगेटिव जो है वो चार प्लेट्स हैं, ये जो जिस पे हाथ रखा हुआ है और ये आपको दिखा रहे हैं ये नेगेटिव प्लेट है। ये एक बिल्कुल इसके सेपरेटर होते हैं लाइक ग्लास सेपरेटर, प्लास्टिक टाइप सेपरेटर है ये, इसके अंदर जो है इसकी नेगेटिव प्लेट होती है। ये अभी इसके बॉक्स हैं, इसमें देखें हर बॉक्स में जो है तकरीबन, अब ये प्लेट हमने निकाल ली है इसकी, ये इसका जो जाल है इसका जो पैकिंग है साइड पर ये वो है। और जो ऊपर आपको भी नज़र आ रही है जो रैप्ड है इसमें सेपरेटर में, ये नेगेटिव प्लेट है इसकी। अभी इसको काट के आपको दिखाते हैं कि इसमें, अब ये बीच में जो आपको नज़र आ रही है येलो वाली ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। हम इसको थोड़ा काट के आपको दिखाते हैं कि ये प्लेट टाइप प्लेट कैसी होती है इसकी। इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा, इसको काटेंगे तो फिर उसके बाद इसका जो है उसकी प्लेट इसकी ज़रा नज़र आएगी कि इसमें अंदर प्लेट किस टाइप की होती है। ये आपकी देखें, ये देखें ये इसका सेपरेटर है, ये सेपरेटर हमने इसका काट दिया है, ये इसके बीच में प्लेट है, ये एक प्लेट है। और ये देखें आप इसमें कुछ डैमेज भी नज़र आ रही है आपको थोड़ी सी, ये बिल्कुल इस तरह जाल होता है एक इसके ऊपर, फिर ये सिक्के का जाल है, लेड का जाल है ये, और इसके ऊपर पेस्टिंग की जाती है बाद में। ये देखें ये जो सर ये उसके ऊपर पेस्टिंग की जाती है और उसके बाद फिर इसको सेपरेटर में रख के फिर रख दिया। अब ये पूरा सेपरेटर है देखें, ये साइड पे ये सारा साइड पे हो गया, ये पूरी प्लेट है इसकी, ये नेगेटिव प्लेट है जिसे हम उर्दू ज़बान में कहते हैं ठंडी प्लेट है, ठंडी है। और जो ट्यूबलर बैटरी जो ट्यूब प्लेट है वो गर्म है। ये भी फिर दोबारा एक दफ़ा करके दिखाते हैं आपको, ये निकाल के ये आ गई, ये देखें ये इसकी ये नज़र आ रही है आपको, ये जो येलो बॉटम में नज़र आ रही है आपको ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है जिसे हम ट्यूबलर ट्यूब टाइप प्लेट कहते हैं, ये ट्यूबलर बैटरी इसको इसी वजह से कहते हैं। ये अब हम निकाल लिए, अब हम इसको ज़रा टेबल पर ले आएँ ज़रा ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो ये देखें जी, ये इसमें फिर दोबारा इसको सेपरेट देखो, अपना फाड़ आपके सामने दोबारा फाड़ के दिखाएंगे। ये देखें ये है, और इसमें ये देखें इसमें जो ये जाल है सारा ये सिक्के का जाल बना हुआ है, और जिसके ये फील्ड होता है देखिए नॉर्मली इसके वो पेस्टिंग है इसकी उतर गई है, इसको पेस्ट किया जाता है जो फिर बाद में करंट प्रोड्यूस करती है। ये उतार दी आपको, ये देखें ये नेगेटिव है, नेगेटिव के नीचे जो है वो पॉजिटिव है, जो ट्यूबलर टाइप है आपको येलो बॉटम में येलो जो नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव प्लेट है। इसमें चार प्लेट्स जो TX 1800 है या जो TX 2500 आ रही है उसमें चार प्लेट्स नेगेटिव होती हैं और तीन प्लेट्स पॉजिटिव होती हैं जो ट्यूबलर टाइप होती हैं। आपको ये ट्यूबलर टाइप प्लेट है जी, ये ट्यूब प्लेट है इसकी, ये आपको नज़र आ रही होगी सामने, थोड़ा क्लोज भी कर दिया हमने। ये नेगेटिव हो गई और साथ ही ये पॉजिटिव आपको दिखाएंगे, ये पॉजिटिव है इसके साथ, ये नेगेटिव हो गई, ये आपको दिखा दी। अब ये पॉजिटिव है, नीचे देखें ये जो लंबी सी प्लेट आ रही है ट्यूब टाइप ट्यूबलर जिसे हम ट्यूबलर कहते हैं बेसिकली, वो ये ट्यूब टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है। ये दिखा रही है ये ट्यूबलर बैटरी, ये ट्यूबलर प्लेट है इसकी, ये मेन जिसे हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव प्लेट है ये, जिसे हम गर्म प्लेट कहते हैं ये पॉजिटिव है। आपको पहले जो शुरू में दिखाई थी जिसका सेपरेटर हमने फाड़ा था और आपको दिखाया था वो नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव। अब ये बीच में एक और नेगेटिव है, ये देखें ये दो फंड, ये भी नेगेटिव है, ये देखें ये भी नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है जितनी भी ट्यूब वाली प्लेट आपको नजर आएगी वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव प्लेट है। ये जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट है लंबी सी, जिसकी वजह से इस बैटरी को ट्यूबलर कहा जाता है। और ये तकरीबन जो
बैटरी है TRX 1800 जिसकी हमने प्लेटें निकाल के आपको दिखाई हैं, ये 230 एम्पियर की बैटरी है। जो TRX 1800 है ये 12 वोल्ट 230 एम्पियर होती है, और इसका हर सेल जो होता है वो 2 वोल्ट का होता है। ये पॉजिटिव है, ये ट्यूब्स हैं इसमें, ये आप काउंट कर सकते हैं। ये फिर नीचे फिर नेगेटिव प्लेट है, फिर इसके बाद फिर पॉजिटिव होगी, इस तरह 4 नेगेटिव हो जाएंगी और 3 पॉजिटिव हो जाएंगी टोटल। तो टोटल ये है 7 प्लेट बैटरी है बेसिकली ये, लेकिन 7 प्लेट है आपको कम नज़र आएगी, लेकिन ये कि ये हैवी पावरफुल होती हैं क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजीज़ आर डिफरेंट है। तो बस ये हमारी कोशिश थी, एक बैटरी हमारे पास आई हुई थी जो ख़त्म थी, तकरीबन 1.5 साल चल के आई थी वापस हमारे पास, तो हमने कहा चले जी इसको काटते हैं और अब जो इसकी वीडियो बनाते हैं और अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि इसकी प्लेट्स कैसी हुई। अभी वापस इसमें रख रहे हैं दोबारा, ये देखें इसमें दोबारा वापस रख रहे हैं इसमें, अभी स्क्रैप है बिल्कुल तो इसको स्क्रैप में देंगे, ये दोबारा इसमें वापस रख के। और काफ़ी हैवी है प्लेट, प्लेट का वज़न ज़्यादा है क्योंकि ये ट्यूबलर है। और ये है ये हमने वापस रख दी इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 होगी हर सेल में, 7 प्लेट्स हैं, 6 सेल्स हैं, 7 प्लेट्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।